रिद्धि सोई हुई थी, रिद्धि को हमने उठा दिया और हम अब जा रहे हैं रिद्धि को सरप्राइज ट्रिप देने। रात के नहीं बोलोगे, सुबह के 2 से 3 बज रहे थे उतने टाइम हम निकले फिर यहाँ से, और फिर हम ऑन द वे हैं। तो आप देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। रिद्धि रो रही थी, रिद्धि को फिर मैंने अपने गोद में लिया। मैंने उसे बोला किसी और के पास जाओ, तो नहीं उसे दोस्त मेरे पास ही रहना होता है। देखो रो गई है। रामेश्वरम में तो बड़ा खतरनाक है जाना, पूरा 2-3 घंटा ट्रेन पानी में चलती है पूरे समुद्र। सबके बढ़िया महाराज के लिए आपके कभी महा बोलो। हेलो गाइस, देखो मैं कितने आराम से जा रही हूँ। उसको बार बार मैं बोल रही थी कि इस तरीके से बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, लेकिन नहीं मन करता है तो बोलती है वरना फिर एकदम शांत हो जाती है। और ये काफ़ी लंबा वीडियो है, मैंने पहली बार इतना लंबा वॉइस ओवर देने का ट्राई किया है, बट उतना होता नहीं है। पर अगर कुछ अच्छा लगे या कुछ भी कमी हो तो कमेंट कीजिएगा। ये हम पहुँच गए हरिद्वार। अभी चैन से उस पार जाना मत, नहीं बह जाओगे। बहुत तेज पानी है, पहले नहा लेते बने। ये कुछ बोल दो। फिर रिद्धि को रहा था कि जल्दी चलो ना, जल्दी चलो ना, हम पानी में जाना। ये वो द्रविड़ वाले लोग को भी फेंक के दिखाता हूँ, फेंक दिया। कैसा लग रहा है? अच्छा। इधर देख के बोलो। बस खाना नहाना नहीं है। हम इतना इसलिए चले हैं क्योंकि हमने गलत जगह पार्किंग कर दी थी। हम देखो पहुंच गए घाट पे, अब हम थोड़ा सा आगे जाके रुकेंगे।
वहाँ पे हम स्नान करेंगे। ये आसपास का व्यू है, देखिए कितना अच्छा है। मैं इतने बड़े में पहली बार ही गई थी हरिद्वार, उससे पहले तो मैं काफ़ी छोटी थी तब गई थी, तो मुझे याद भी नहीं कि उस टाइम कैसा था और अब कैसा है। और ये देखिए, आपने देखा होगा ये वीडियो कितना वायरल होता है, ये कांच का यूज़ करके पैसे निकालते हैं। ऐसे करो, ओ वाह, क्या कर रहे हो। सही रखो पैर, सही रखो। और ये हम कर रहे थे थोड़े मजे, पर रिद्धि को पानी से डर लग रहा था और वो पानी में जा ही नहीं रही थी। जब देखो तो मैं नहीं जा मुझे नहीं जाना। पापा जबरदस्ती डुबा दिए, तो मैंने सोच के बोल दिया ज्यादा ना कहलावा, तो मैंने बीमार हो जाई बोल के बाद। और बाय दर मेरे भी हां चालू है, चलते रहते और डुबकी लगा के बोलते हैं। नहीं आता है और मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ और मुझे प्यास लग रही है, तब हो गया रवि। और ये देखो मेरी मम्मी को डुबा रहे पापा, और पापा भी रवि, रवि अंकल नहीं डूब रहे और पापा ये लगा लिया, लगा बना लिया, तैर रहा है ये रवि अंकल, तैर रहा है और इसको पकड़ के ये देखो मेरी मम्मी को स्टाइल नहीं कर सकती, हूँ पानी पी रही हूँ और और मम्मी अपना बाल गीला नहीं कर रही, वीडियो है वीडियो वीडियो, और मम्मी अपना बाल गीला कर रही है और मम्मी राजू को डांट रही थी, तो आया क्या खाएगी कॉटन कैंडी और क्या अच्छे से सारा सारा कहा तो क्या हो गया ऐसे तो ना फटो नहीं पता। देखो गाइस बताओ आप बच्चे से खाते क्या, देखो पूरा मुंह लाल लग गया, दो लोग की बात भी कौन कौन है दीदी आटे और आंटी मुझे रवि अंकल का फोटो खिंचवा रही है, मुझे नहीं बुला रही है पापा के पास। अब देखो रिद्धि का असली रूप, ये और देखो गुस्सा, और देखो गुस्सा अच्छी मुझे गुस्सा में दिला रही है, पहले मुझे चश्मा ले लूँ मैंने ले लिया, मैंने लगा लिया तो मैंने उधर भी देखने की कोशिश की, उधर देखी फिर उधर देखी फिर इधर देखी आंटी की तरफ, तो मुझे बहुत आंटी मुझे उल्लू बना रही थी, उल्लू बनाने के बाद हम घर चले, घर से सो के खेत नहाने चले, नहाए फिर घर पहुँचे। हरिद्वार हमारे शिव जी और क्या और ये गंगा माता। दीदी तुम पहली बार गई थी हरिद्वार, और ये अंकल से थोड़ा सा पोज दे दीजिए, अंकल थोड़ा फोटो खिंचवा लो, अंकल फोटो को नहीं खिंचवा रहे। और हमारे रिद्धि का फेवरेट पार्ट देखिए क्या है, रिद्धि क्या करती रहती तुम। मुझे बहुत पसंद आई चूड़िया, तो मैं चूड़िया बहुत पसंद आई,
और चिड़िया पालती हूँ बस। ये वाली टूट गई थी तो रबिया की मम्मी दे दी मुझे, तो मैं उसको पाल ली, वो भी टूट गई, तो मैंने सोचा एक और पाल ली तो नहीं टूटेगी, बल्कि एक बार टूट जाती है, टूट ही जाती है। अरे जल्दी करो यार, तुम तो धूप में खड़े हो। पालना बंद कर दिया, जब मैं बड़ी होगी तो पाल लूंगी, ये भी बड़ा हो जाए तो पाल लूंगी, कभी कभार आऊंगी, फिर कभी कभार आऊंगी तो मैं चिड़िया लूंगी, चिड़िया। और ये देखो मैंने मैं दिखा रही हूँ ये क्या कहते चूड़ी, और देखो ये अड्डी दिखा रही है ये क्या कहते गहरा पानी, और ये अड्डी मुझे गोल घुमा रही है, और अब ऐसे वाला मुझे गोल गोल घुमा रही है, फिर मुझे ऐसे करी ऐसे करके फिर से गिर गई, तो ये अड्डी मुझे झूल के बनाई है, झूला बना दी तो मैंने उसको बहुत पट दिया, फिर से घुमाने की कोशिश की, फिर से बस बस चलो हो गया गंगा नहीं चढ़ाने की बात हो गया, गंगा नहीं चढ़ाएंगे तो एक टिक्का रवियों कर ले लिया बाजू दे लिया और उसे पाल और मुझे ना टैल ऐसे कर रहे थे चले, और अड्डी ये क्या कर रही थी ये पानी चढ़ा रही थी, और पानी चढ़ाने के बाद फिर बात नहीं कर रही, और ये देखो चढ़ा रही है, और मुझे नहीं चलना नहीं चलना कभी कभार भी रिद्धि ऐसे क्यों कर रही है, ढंग से क्यों कर रहा है, नहीं है क्या, अरे थक जाते हैं बस रिद्धि भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो, बल्कि रवि अंकल थक जाते हैं तो मैं सोची रवि अंकल थक जाए तो बड़ा गाड़ी फिर भी तो गोद में चल रही हो और क्या, और अब ये देखो क्या मिल गया हमें खाना, खाना खा के बोले और मुझे और गुस्सा हो हमसे जा रही है, मैं जा रही हूँ छोड़ के जा रही हूँ, मैं नहीं आ रही, मैं जा रही हूँ, बाय बाय जा रही हूँ, नहीं तो रवि अंकल मुझे पकड़ लिए, और अब हम जा रहे हैं राम झूला, और राम झूला से झूला, और ये देखिए अब राम झूला पहुंच चुके हैं, ये देखो हमने राम झूला से पकड़ लिया है, और राम झूला हम चल रहे हैं, बल्कि ये हिल रहा था पानी में, ये बहुत हिल रहा था, तो फोटो एक खिंचवा लिया, फोटो खिंचवा ये क्या करना मैंने पोज दे दिया थोड़ा अच्छा लगे, और ये देखो मेरी अड्डी कहाँ बैठ दे जा रही है, और ये देखो मुझे मम्मी ऐसे कर रही है अपने फ्रॉक को, और मम्मी जा रही है मुझे लेके क्या कहते हैं, और मेरे अम्मी पापा तो मैंने सोचा मम्मी मुझे पापा तो मेरा ये पानी अपने हाथ में लिया है ना, ये भी ठंडा है बल्कि मैं इसको पी रही हूँ, और ये देखो मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे कर रही हूँ शिक्षक को, बल्कि मैं इसको नहीं ले लाई, बल्कि वो ये सामने रवि अंकल खड़े थे, ये मम्मी भी बोले, और अब सुनो अभी बोलो बोलो, हाय दोस्तों मेरी फोटो अच्छी लग रही है तो आप
देखो बस सुनती रहूंगी, मैं अपना फोटो वगैरह गाना सुनती रहूंगी अपना, वो क्या कहता है। रिद्धि अभी क्या कर रही हो तुम? चलो आप फोटो ले। अभी बैठी हुई हूँ और मेरी आंटी भी पार्टी है, क्या करूँ बाप, मुझे गुस्सा आ रहा था तो मैं सोचा मम्मी मुझे भूख आ रहा था पानी पूरी, तो पाने वाला। हेलो गाइस, हम यहाँ पे आए हुए हैं ऋषिकेश में, मस्ती हो रही थी, मैं सोचा के पास मैं सोच रही थी और हम आ गए हैं बीचों बीच गंगा नदी में, क्योंकि यहाँ पे पानी कम है। हाय, और हम बढ़िया एक पत्थर मिल गया, कहाँ बैठे हैं? बीचों बीच नदी में, क्योंकि पानी बहुत कम है। और मेरी आंटी कभी कभार मुझे गुस्सा दिलाती है तो मैं रोने लग जाती हूँ। और ये देखो मेरे पापा है, पापा रवि अंकल, और ये देखो मेरे मम्मी को पापा भी गा रहे, मम्मी के पास इतना कपड़ा नहीं था तो मम्मी के पास इतना कपड़ा था, एक दो तो मम्मी ने एक दो और मेरे पास एक दो और आंटी के पास भी था एक दो, रवि अंकल के पास भी था एक दो और डारी के पास भी था चार, बहुत सारे। नानी बहुत सारे कपड़े लेके गई थी। हाँ, हम तो एक ही को लेके गए थे। और क्या, और ये हम कर रहे हैं पत्थर फेंक 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 फेंक। और ये देखो, और बात मम्मी ने क्या हो रहा है कॉम्पिटिशन। और ये देखो, पापा ने भी एक लाया कपड़ा और रवि अंकल भी लाया था एक कपड़ा, कौन लाएगा एक कपड़ा चार कपड़ा, दादी तो बहुत सारे कपड़े लाई थी मेरे, बल्कि दादी कभी कभार नहीं गई थी मेरी दादी। ये क्या हो रहा है? ये तो मेरे पापा कर रहे हैं। ये देखो, एक बार डूबे ये बात कर रहे हैं सैंटा, और ये देखो रवि अंकल आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? और अब हम वहाँ से निकल गए और अब हम कहाँ जा रहे हैं? चोटी वाला रेस्टोरेंट, ये बहुत फेमस है। फिर बाद में हमने डिसाइड किया हम गए कहाँ? चोटी वाले। हमने पहले यहाँ पे छोटी सी गैया, छोटी सी गैया है। और ये देखो अंटी ने एक बार लाया था ये, तो एक बार और काफी बड़े हैं, अच्छे लगा दी है। मुझे चाहिए अपने रूम के लिए, लगाया है ड्रीम कैचर, लाए लगा के बताएंगे कैसा लग रहा है। और देखो लाल कलर का लिया था हमने, लिया था ऑरेंज और ऑरेंज कलर को। ये देखो मेरे मम्मी बजा रही है, किसने बजाया था? भाभी जी फेल हो गई, चलो कोई और ट्राई करो। किसने सही बजाया था बताओ? पापा नहीं, अंकल रवि अंकल ने सही बजाया था, और बाकी सबको नहीं आता बजाना, और पापा भी सही बजाए थे। चलो इसी बात पे आप बजा के दिखाओ। अच्छा ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। अब देखो रवि आता बजाना, आ गया पापा को भी। भाभी पकड़ना बोतल, पकड़ो भाभी बोतल। ये गई आ रही है अपने बच्चे को देख रहे हैं। ओहो बजा लिया। पड़ जाएगा एक दो दिन में, एक साइड से आवाज थोड़ा सा आड़ी होना चाहिए। मम्मी ने ट्राई किया तो मम्मी से नहीं बना, तो मैं दादी भी देख रही थी मम्मी को और उधर देख रही थी उससे, और मम्मी ना रही थी, मैं भी ट्राई कर रही और मुझे ठंडा लग रहा है। छोटे से गैया से बात कर रही थी। हाँ
भैया ने तुमसे बात की और सबका पैर भी टूटा था और ये देखो मैंने क्या लिया हाथ में, मैंने कुछ कर ली, मैं एक बार फ्लाई नहीं फुला और तीसरी बार फ्लाई फिर भी नहीं फुला और अंटी से फूल गया था। हाँ बाकी सब तो बहुत ज्यादा मीठा हो। ये है बर्फ का गोला। हाँ, और मुझे और अब हम जा रहे हैं जा रहे हैं और मुझे आंटी मुझे नहीं दिलाई तो मेरा नहीं दिलाया था। लेकिन अब रिद्धि हम ये कहाँ पहुँच गए, नीलकंठ बाबा। और ये देखो ये हो गए बाब, ये क्या होता है, हम नीलकंठ बाबा के मंदिर पहुँच गए। हाँ, शिव जी के मंदिर में पहुँच गए और क्या कहते हैं और पूजा किया और फिर गणेश जी थे बड़े बड़े बड़े, तो मैंने सोचा देख के मैंने देख देख के चल रही थी। हाँ दर्शन किए पूजा किया दर्शन करके हमने खाना खाया दीदी तुम कहाँ हो? चल गए फिर घर पहुँच गए और ये कहाँ बैठ गए गौरी बाबा ने वापस जा रहे हैं अपने होटल। हाँ होटल में अब मजा मजा और ये हम रात को ऋषिकेश के मजे ले रहे हैं। वहाँ पे देखो लाइटिंग कितनी अच्छी लगती है और मम्मी पापा बहुत दूर और ये देखो मुझे क्या दिख रहा है लाइट लाइट मुझे बहुत अच्छा लगता है बल्कि दिखा रही है सबको। अंटी आपको दिखाना नहीं चाहिए, क्यों नहीं दिखाना चाहिए, सब देखेंगे ना हमारे सब्सक्राइबर देखेंगे कि हम कहाँ घूम रहे हैं, रिद्धि कहाँ घूम रही है और पानी को भी दिखा देती आंटी नहीं दिखाई तो। ये रहा दिखा दी और ये देखो गहरा पानी था तो मैं उधर तक नहीं जा पाऊंगी, मुझे गहरा पानी दिख रहा है और हमें डर लग रहा था ना ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और मुझे फिर उसके बाद हमने क्या ही देख रहा हूँ कैसा लग रहा होगा इस। और ये देखो रात झूले पे गाड़ी चल रही थी तो और थोड़ा फोटो शूट कर लिया वीडियो बना लिए और ये देखो लाइट मुझे दिख गई। रिद्धि कहाँ है, रिद्धि दिख नहीं रही है इसमें और मैं रो रही थी, मैं बोल रही मुझे वो ही खाना जो बॉल बॉल तो वो पापा ने बोला नहीं और मम्मी भी नहीं बोली नहीं और पापा ने बोला यस मैं तुमको दिला दूंगा। गुस्सा
देख तुम्हारी नानी गई, अब डुबाएंगे। पापा के गोद में क्यों बैठी हो जब तुमसे गुस्सा आया तो? और मुझे नानी चुप करा थी, बात दूसरी नदी पर गई थी। आंटी को डुबाया जा रहा है और बात दूसरी नदी पर गई थी। और मुझे तैरना भी आता है, ऐसे ऐसे करूंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है कैसे तैरना। मुझे आता है, बल्कि पापा को आता है, रवि अंकल को आता है, मुझे भी आता है। गई तुम्हारी नानी अब? दीदी गई तुम्हारी नानी? वो देखो दुआ दिया नानी को तुम्हारे। सब हो रहा है, स्क्रीन शॉट मार। बहुत तेज हवा है, अरे छट के गिर जाओगे तुम। छट नहीं रहे तुम तो नहीं अभी देखो। जा ही नहीं रहा तुम्हारा,
करो जल्दी। गोवा वाले बीच पे हम ऋषिकेश में खेल रहे हैं। और ये देखो आंटी ने क्या बना दिया, दिल। ये दिल है? हाँ। ऋषिकेश में गोवा के मजे ले रहे, गोवा तो हम जाएंगे नहीं। हाँ। तो आंटी ने दिल बना दियो। और अब हम गाइस देखिए कहाँ रेती, देखिए ये हम कहाँ है। अरे हम खा रहे थे, क्या खाया था? क्या कहते छोला भटूरे। अकेले अकेले खा ली तुमने? और फिर हम सोचे अपने घर चलते। हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे खाना खा रहे थे। क्या खा रहे थे? हम भी आ गए खाने, छोले भटूरे। और ये देखो मैंने रवि अंकल का चश्मा लगा लिया था। और ये रवि, और रवि अंकल को गले में फंसा दिया था। और ये देखो मंकी आ गया, मंकी। अब हम घर जा रहे थे, ये बोल रहा था मैं खाऊं। छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। खा लिया, डर लग रहा था मुझे ना। और तो तुमने इससे बोला था ना अपने घर आने के लिए, घर लाई नहीं? नहीं, मैंने बोला घर चलो मेरे, तो ये नहीं बोला। उसके बाद देखो हम ये कहाँ आ गए, ये पूरा एकदम खंडर है सुनसान, बहुत बड़ा आम का बाग, मैंगो ट्रीज, खंडर है ना। यहाँ पे एक घर है, देखो हम छत पे गए थे लेकिन छत पे बंदर ने मारा, ओहो भागे हम बंदर। उसके बाद दोबारा जाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर उसके बाद हम गए इधर, इधर नहीं गए आंटी। फिर मैं क्या करूं, हाँ मेरी आंटी घर पर गई थी तो बंदर ने काट लिया आंटी को। और ये मेरी मम्मी मांगो काट रही, रिद्धि को पकड़ा, रिद्धि को तोड़ लिए। और ये देखो मम्मी बार बार तोड़ रही है, देख रिद्धि फोड़ा हो जाता है। मम्मी को मैंने ने काट लिया। और ये देखो मेरी मम्मी तोड़ ली। और ये देखो मेरे साथ पापा के साथ क्या हो रहा है, और पापा पेड़ में चढ़ रहे हैं, पापा चढ़ नहीं पा रहे तो पापा को चोट लगी है। और ये देखो आंटी डांस कर रही है, मैं पेड़ में खड़ी हूँ और थोड़ा सपोर्ट दे रही हूँ। और फिर आंटी के पास आ रही थी, थोड़ा सा एक और कोल दे रही हूँ। और मैं एक डंडा ले रही, डंडा से मैं मैंगो तोड़ रही थी। और पापा मम्मी पापा ऊपर चढ़ गए पेड़ में। फिर हम इधर यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर हम पहले हम खाएंगे क्या कहते हैं क्या वो नमकीन, फिर यहाँ से निकल जाएंगे बस। फिर यहाँ से डायरेक्ट खाना खाइए, खाना खा के हम जूस पियेंगे, जूस पी के हम घर चल जाएंगे। और पूरा करना है
और ये देखो मेरे पापा थोड़ा सा और मैं खड़ी हूँ मेरी मम्मी थोड़ा से एक और पोज और मैं इधर पोज डाल सकने वाला और ये मैं गोल गोल घूम रही हूँ और डांस 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 और ये गाड़ी सामने खड़ी है और ये लगी मेरी आंटी मुझे पकड़ ली तो मैं भाग गई और मेरी आंटी भी भाग गई और मेरी मम्मी देखो मेरी मम्मी को बंदर बन गई और ये देखो मेरे पापा ये खा रहे थोड़ा और देखो अब मैं डांस कर रही हूँ आंटी ने गाना चला दिया और मैं और ये देखो मैं इधर खा रही हूँ खाने के बाद और इसको रख किस्मत ने नहीं फिर ये देखो महादेव ने हमको मिला खा लिया शुगर के गए अपने घर चले गए घर जा रहे थे और अब बोलते जा रही थी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना अच्छा लगे तो अच्छा लगे बस अब जा रहे हैं और ये देखो हमें गन्ने को जूस मिलेंगे और पियेंगे हम फिर और ये मैंने खूब मस्ती की फिर हम घर चल गए हमने वीडियो भी बनाया है फिर गन्ने के जूस पिए फिर घर चल गए सही लग रहा है रख लो मेरी आवाज अच्छी लगी तो लाइक करना सब्सक्राइब करना जरूर मिलेंगे बाय बाय।